Hey guys. Hey guys. So welcome back to new vlog. और आज हम लोग आए हैं बहुत ही स्पेशल जगह, बेंगलुरु का नंबर वन द लार्जेस्ट कैफे विच इज कॉल्ड ओया एंड इट इज बेस्ड ऑन ग्रीस कंट्री, वहाँ का पर्टिकुलरली है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन बाहर से इसका जो व्यू है बहुत ही ऑसम आ रहा है। एक्चुअली इससे पहले हम लोग ने इस बार लखनऊ को बहुत ही डिफरेंट तरीके में प्रेजेंट किया, मतलब न्यू लखनऊ, ऑल दी यू नो वेल डिजाइन, बहुत ही प्यारे से कोजी कैफेज इन लखनऊ। फिर हम लोग ने सोचा कि जब तक हम लोग दूसरा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वाई नॉट बैंगलोर्स नंबर वन कैफे। सो दैट्स द रीजन वी आर हियर। या बिकॉज बेंगलुरु इज लाइक फेमस फॉर द कैफेज एंड बार्स, तो यहाँ पे भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ये जो लोकेशन है हेनूर में है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी भूख लग रही है क्योंकि एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये ब्रंच डेट है हमारा। सो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है ओया। वाओ। और ये है, जब आप आएंगे अगर आपने ऑलरेडी बुक कर रखा है तो सर्च करते हैं कहाँ पे होगा। और आज अच्छी बात ये है कि जो मौसम है बैंगलोर का वो है क्लाउडी, और हो सकता है रेन भी हो, तो सुपर हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। या क्लाउडी वेदर है और हर जगह से देखिए पूरा आ रहा है ये फॉग। वाओ अमेजिंग। एक्चुअली आज है थर्सडे, सो बहुत खाली मिल रहा है हम लोग को जगह, नहीं तो जनरली क्या होता है वीकेंड से पूरा ये भरा रहता है, और इवनिंग टाइम में तो इसकी बहुत ही बस अच्छी होती है वाइब। हम जब लिटिल लोग यहाँ पे थे, हम लोग प्लान कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी नाइस डेस्टिनेशन कि हम लोग दोबारा से ज़रूर आएंगे। तो वहाँ से आप देखो इंटर करो, और यहाँ से पूरा यहाँ पे पूरा मतलब बहुत बड़ा है, तो एक्सप्लोर करने में एक दो घंटा लग जाएगा। सो वी आर सर्चिंग फॉर 826 आई थिंक बैट द सीट, नो कहीं पे भी बैठ सकते, खाली है वैसे लग रहा है। एटलेस बाली में हम लोग गए थे बीच क्लब में, वैसे ही लग रहा है, और यहाँ से आप जा सकते हो। क्या एटमॉस्फेयर है, मस्त मिस्ट आ रही है, आते ही मन प्रसन्न हो गया है, फीलिंग सो मच नाइस। और कैसे हम लोग इग्नोर करके रखे थे पता नहीं है, जब डेस्टिनी में होता है तभी आता है इंसान। यस, तो गाइस यहाँ पे जितने भी प्लेस है वो ऑसम है, और एक से एक आपकी जो इंस्टाग्राम वर्थी पिक्स आएगी तो हम लोग भी क्लिक करेंगे। yes. तो अगर आप चाहो तो ऐसे पूल साइड में बैठ सकते हो, अंदर पे भी बैठ सकते हो, एंड ऊपर में भी आप जा सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर में भी है, चलो हम लोग चलते हैं। रंजना जैसे बोल रही थी तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड म्यूज़िक और हॉलीवुड म्यूज़िक चलती तो थोड़ा कॉपीराइट्स आता है। तो ये जो टी शर्ट है अभी मलेशिया में हम लोग ने लिया था, आज इसको पहना है, श्री गणेश हो गया। अभी हम लोग ऑलमोस्ट सेकेंड फ्लोर में आ चुके हैं, और इससे ऊपर भी है, तो वहाँ तो नहीं जाएंगे, अभी थक गए हैं। ह्यूज प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट एक बार में 1000 लोग तो आ सकते हैं, इससे भी ज़्यादा आई थिंक। आई थिंक बहुत स्पेशियस है, ये जो जगह है ग्रीस में है। सो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आए ग्रीस भी घूमेंगे, और वहाँ पे कितना अच्छा मिरर वर्क है आपको वो दिखाते हैं, आइए।
अभी हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं यहाँ के स्पेशल और आपको दिखाते हैं। स्टे ट्यून। सो हमारी फर्स्ट डिश आ चुकी है एंड दिस इज लाइक वेज क्रिस्टल डम्पलिंग। तो हमें लखनऊ में बहुत पसंद आया तो हमने सोचा यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। सो लखनऊ में मसाकी वाला तो ब्लॉग आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, वहाँ बहुत टेस्टी था। और ये भी बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड है, टच करोगे तो ब्रेक हो सकता है। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। हाँ, ऐड से ही करना चाहिए। साथ में मिलती है चटनी। सो सॉफ्ट यार। और साथ में आ गया हमारा मशरूम सूप, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ी मुझे कोल्ड था लेकिन इसको खाने के बाद में थोड़ा सही हो रहा है। ये मेरा फेवरेट दही के कबाब। तो रंजना का फेवरेट है, हम भी खाते हैं, बट अगर कोई मेन्यू में दही के कबाब है तो रंजना ऑर्डर करेगी। यूनिक स्टाइल से इसको प्रिपेयर भी किया गया है, डेकोर भी बहुत अच्छा है। बुक्स यमी, खा के देखते हैं। और ये आ गया रंजना का मैचिंग होता हुआ स्ट्रॉबेरी एंड बेसिल, ये भी मैच कर रहा है, क्रिस्पी भी मैच कर रही है। तो अब बारी आ गई है सूप की, तो दोनों एक साथ टेस्ट करेंगे, आप भी करिए। चीयर्स। चीयर्स। यम्मी। तो हमने सोचा कि मेन कोर्स भी मंगवा लेते हैं। तो ये है हक्का नूडल्स एंड ये है थाई करी। बहुत ही फास्ट है, करेक्ट। और एक बार भूख लगती है तो सब आदमी खा ही लेता है, तो थाईलैंड कैसे भूल सकते हैं, इसलिए थाई करी हम लोग ने मंगवाई है। हेल्दी भी होती है, वेजीज भी बहुत रहता है इसमें। तभी ये सब ख़त्म करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। सो टेस्टी थाई करी, अभी टेस्ट कर रहे हैं। सुपर। एक्चुअली अभी मैं वेजिटेरियन हो चुका हूँ ना, तो आई एम ओनली प्रेफरिंग वेज। एंड जैसे प्रॉन्स करी खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लग रही है मुझे तो। बहुत अच्छी, मैं थाईलैंड से आई, थाई करी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, सुपर। सो गाइस, हमारा डेट ब्रंच, डेट ब्रंच, डेट ही मान लीजिए, ब्रंच डेट। ओके, सो गाइस, हमारा ब्रंच डेट जो है ओवर हो चुका है। जितना स्पीड वो लाने में था उतना ही हम लोग खाने में जितनी स्पीडली सब सूप्स, एवरी डिशेस लाइक स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स, एवरीथिंग केम टुगेदर एंड द सेम वे वी हैव ईटन आल्सो, सो इट इज हार्डली द मैटर हाफ एन आवर वी फिनिश। या इट वाज वेरी लाइक नाइस एंड यमी एंड टेस्टी एंड द सर्विस इज अल्टीमेट रियली। या तो वेज में भी खाने में ऐसा नहीं कि आप रिग्रेट करोगे, नॉन वेज से भी ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैं तो पहले खाता था, नाउ आई हैव गिवन अप लाइक कन्वर्टेड टू वेजिटेरियन। तो अभी जो है हम लोग आपसे लेंगे अलविदा। आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सबके साथ, फ्रेंड के साथ, और उनके साथ भी आके इन्जॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।